हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंस टॉपिक लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, जो इकोनॉमिक्स में आपका टॉपिक रखा हुआ है पंचवर्षीय योजना। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो जो भी इसमें बन सकते हैं इम्पोर्टेंस प्रश्न वो लेकर इसमें हम आए हैं। तो हम पढ़ेंगे आज पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है फिर कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन देता है भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कर योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कितनी भी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12। कहने भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर राइट हो जाएगा 1951 में जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956 तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, राइट आंसर यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अगला प्रश्न है, कहने की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, ये कई बार ये प्रश्न आया है परीक्षा में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैरोड डोमर मॉडल पर, तो ऑप्शन नंबर यहां डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि का विकास। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि का विकास। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां सी, सही हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई पर। अगला है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां सी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, कहने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर काउंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक विकास पर। कहें किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है, देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र ये भी है, दुर्गा इस्पात संयंत्र ये भी है, राउरकेला इस्पात संयंत्र ये भी है, उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी। कहने तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1961 से 1966। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि में विकास। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन के सहयोग से 1966-67 में जो है क्या हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो किसे माना जाता है अभी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे रही। इसका कारण यह था कि 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में सूखा पड़ गया था, यही कारण से जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना कह रही भी असफल रही, ठीक है। और यही असफल होने के कारण फिर एक एक वर्षीय योजना चालू की गई कि हम फिर इसको क्या कर लें, पूरा कर सकें। तो यहाँ आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1962 में भारत और चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान चीन और 1966 में सूखा के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। अगला है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो भारत में योजना अवकाश की कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है या जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था। आइए अगला देखते हैं, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 से 1969। अगला है, कर की चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहां पे 74 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1969 से 1974 तक, तो ऑप्शन नंबर डी यहां राइट हो जाएगा, देखिए यहां 74 होगा, ठीक है। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ठीक है। और इसरो की स्थापना भी की गई थी, ठीक है, इसी समय। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, तो आप बताएंगे चौथी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहना कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, किस पर गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर। कहना चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, डी आर गिल ने। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1994 से 1978 तक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉरी 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष की थी। अगला है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1979 से 1988 के बीच। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक चली। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980 से 1985। ऑप्शन नंबर
भी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना होती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? किस पर अधिक बल दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो देखिए जवाहर योजना 1 अप्रैल 1989 में शुरू की गई थी जवाहर रोजगार योजना, तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय। अगला है, तीसरी योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 से 1952 के मध्य। अगला है, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992 से 1997 तक। करके आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे राइट ए हो जाएगा, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला है, कल प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो यहां पे सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय। देखिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा, 1997 से 2002 तक। कहने की दसवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2002 से 2007 तक। कहने की दसवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2007 से 2012 तक। अगला है, बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां सही हो जाएगा कौन से, सी नंबर, 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंस प्रश्न क्वेश्चन बनने लायक थे वो हमने आपको करा दिया। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमिक का। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।